ऐसा मुसीबत में मेरा भक्त राज्य है जो आज अपने स्वयं ऐसे इस कर्म को याद किए है। हे भक्त राज्य, एक लोहा का अंचल घर को हमर घर बनाना चाहते हो ना। हे भक्त राज्य, तुम मुझे सुमर कर जा सौदागर के दरबार में, और उसका पुत्र का अंचल घर कोहबर है आज, और उसका घर घर बनाने चाहते होगा तो अवश्य वह घर बन जाएगा। भक्तराज कल्याण वस्तु पुत्री, बताओ पुत्री, आज तुम दोनों क्यों मेरे मंदिर तक आए हो? पुत्री, आज कैसा संकट तुम दोनों के ऊपर है जो तो इस मंदिर तक आए हो? बाबा, बहुत भारी कष्ट हो गया बाबा। ऐसा भारी कष्ट क्यों? आखिर क्या बात है? बाबा, तो कौन है? तुम इतना लोहा नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हारा पति को मार दूंगा। बहुत अच्छा बात बोली पुत्री। विश्वकर्मा बाबा है ये दीदी की भाई हमारे पति लगे छे समय के लिए। हे भक्तराज, विश्वकर्मा बाबा, विश्वकर्मा जी अपन देवता छे। आयुष्मान भवा भक्तराज। राम जानकी मेडिकल ठकुरबाड़ी बड़ी मौजी, राम जानकी मेडिकल ठकुरबाड़ी बड़ी मौजी, जिनका प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, उनको तरफ से 101 रुपया का शानदार पुरस्कार है और आप लोगों को सेवा के लिए तैयार है। हमारे भाई कृष्ण कुमार जी, रात खोजिए रात मिलेगा, दिन खोजिए दिन मिलेगा, हर वक्त उनका मेडिकल खुला रहेगा, आप लोगों को सेवा में जारी रहेंगे। तो हमारे जय माँ शारदे आदर्श नाच कंपनी को से बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। बाबा आएगा तब तो अपना को भला बाबा को लगी चल जा ब्याम को वर लागे छ बाबा। आयुष्मान बाबा भक्तराज, आसमान में चल जाशीर्वाद है। आयुष्मान आयुष्मान आशीर्वाद भक्तराज बाबा, आज तू कौन सा मुसीबत में है जो तो इस मंदिर तक आए हो, बताओ भक्तराज। बाबा, आप हम लोग को देवता है और लोहार याद का सेवक है। बाबा, हमको साथ जब तक आप साथ नहीं करते हैं तब तक हम कैसे बताएं? हे भक्तराज, ये बताओ, भक्त और भगवान में संत होता है क्या? क्या तुम संत करवाने के लिए मुझसे चाहते हो? हाँ बाबा, आखिर बात क्या है बताओ भक्तराज। बाबा, जब तक आप साथ नहीं करते हैं तब तक हम कैसे बात बताएंगे? ठीक है भक्तराज, आज ये विश्वकर्म तेरे सत करने के लिए जा रहा है। बाबा कभी खैनी दा भक्तराज। बाबा खैनी ने मैं तुम्हारे साथ सत करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हे भक्तराज, एक सत दो सत तीसरा सत अगर तुम्हें कहा हुआ नहीं मालूम तो ये निष्कर्मा को 80 कुंड नरक में वास हो जाएगा। बाबा हे भक्तराज,
चौपाईपुर नगर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ का राजा चंदू साल सौदागर बनिया है, जो भारी चंडाल है, देवी देवता को नहीं मानता है, जिस कारण उनको ऊपर याफत है, वो उठा करके मेरा सर पर दे दिया है। कहा जाओ अंचल कोहबर घर लोहा भास को तुमको तैयारी करना होगा। मेरा बेटा बाला लखिंदर जो है वो शादी करके अपने पत्नी को ला रहा है। नई रानी के लिए नया मकान होना चाहिए जिसमें एक सीटी भर छेद नहीं हो, नहीं तो बाल बच्चा को भक्ति झुका करके मार देगा। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है, सच्चे दिल से भगवान का भक्त होता है, वह भक्त को कोई राजा महाराजा उसे बाल बका नहीं कर सकता है। आज तू इस मुसीबत के घड़ी में इस विश्वकर्मा का तू याद किया है, तू लोहा घर का मकान चाहते हो ना भक्तराज? बताओ भक्तराज। आओ दीपति बाबा अंचल को ऊपर घर आप चल करके हमको साथ लेकर तैयार कर दीजिए। हे भक्तराज आप गए, आपके ऊपर साक्षात ये विश्वकर्मा साक्षात सहाय रहेगा, और जैसा तू अंचल घर कोहबर बनाना चाहोगे वैसा से सुंदर अंचल घर कोहबर बन जाएगा। तो कोई दुख नहीं होगा बाबा, कोई चीज का कष्ट तुझे नहीं होगा बाबा। तो हो बाबा तो गोर लाग दो हो बाबा, गोर लाग दो देखो। कल्याण वस्तु पुत्री बाबा तनी एकरो पर ध्यान दो, दू दिन ब्याह करला भए गेलै कहियो धिया पिता। सच्चे दिल से अगर जो भक्त भगवान के ऊपर साक्षात मनोकामना पूर्ण करके आता है, अपने इस भगवान के दरबार में उसका मनोकामना हमेशा पूर्ण हो जाता है। भगवान कल को तोरो बाल बच्चा होते बाबू अथवा हमरो का बाबू अथवा बाल बच्चा। अच्छा ठीक है बाबा, तो अंचल को हमारे घर बन जाएगा, बन जाएगा। जाओ भक्तराज बाबा, आयुष्मान भव फिर की आयु भव। अचल हो बाबा आप हो मंदिर बाबा, मंदिर बाबा हो बाबा। मोबाइल में बोलो नहीं आवाज नहीं चुभै छै। अयो हम बहुत दूर चल गेलियै जे मोबाइल में बोलियै इने आबा।
थोड़े लोहा घर में आ बाबा के सुमर नहीं छे उ लोहा लेने आबो और सब लोहा में लोहा वेल्डिंग कर के जोड़ दे आयो वेल्डिंग करबे पता नहीं चले हां है जोड़ लेबे टाइम पूरे पर छह मालिक कल के दो दिन के अंदर में बनबे नहीं तो घर ठेल रोज पेट खराब हो रहे अरे छोरा अर्जुन मा छाई रे अरे एगो सीढ़ी ले आ कुर्सी हो वाला आहो कारियो लोहा बांस का तैयारी हो रहा है लोहा बांस का हाँ चंदू साहू सौदागर बनिया का लड़का के लिए घर बन रहा है लड़का के लिए बन रहा है हाँ एक बात कान खोल के सुन लो जो मैं कहूंगी
वही बात करना समझ गए की कहानी। अरे आज की कहानी हमारे साथ मुठरी भाषा निकाला मैं तेरे अंधा बना के नहीं छोड़ छोड़ नहीं नहीं तो आप बोल लो ना लक्ष्मण सावर धारण के तो बोल इधर सुना एक कोहबर बना के इसमें हमारे सिक्की भर छेद छेद रहना चाहिए। आप की करिए देखो कहल के सिक्की भर छेद रहेगा तो बाल बच्चा मासूम जाएगा। अगर इस अंतर कोहबर में सिक्की भर छेद नहीं रहा तेरे पूरे बाल बच्चे को मैं इस राज में बचने नहीं दूंगी। मैं हम जन्मावे से कान पकड़े छी जन्मैबे करबै या बाल बच्चा धरसिए धकल ते ई हम इतने से खत्म तो आप के छो मैं तो मैना विसरी हूं अगर मेरे बात नहीं सुना तो सुन लो तेरे पूरे बाल बच्चा को मैं तेरे घर में जाकर पूरे साफ साफ बाल बच्चा पड़ी दहार अगर तोहर बात हम मानबै तो हमरो बात तोरा मानो जरूर मैं मान सकती हूँ क्या राजा का देश है सिंधी भर छेद नहीं छोड़े ला ठीक है आवे छुआ तने मनियादर छोड़े ना हेलो हाँ तो ये है भाई महेंद्र मुखिया ग्राम बड़ी मोदी कराने वाले उन श्रीमान जी को तरफ से 101 रुपया का शानदार पुरस्कार है जो नया अंचल कोहबर घर बनाने वाला को इनाम मिला हमारी कंपनी को उससे बहुत बहुत शुक्रिया अदा है ये है भाई अरुण यादव यह शिखर पर अरुण आदमी अब अरुण आदमी छत्र की यादव अरे हाँ इधर सुनो हाँ बहुत तू इनाम लेता है इनाम ले डीपी लो दिल पर ठीक है चलो मेरे सामने बनाओ और मेरे सामने सिक्की भर छेद छोड़ो अब वही तो दांत की करते हैं अगर वो आ जाएंगे अगर दांत वो लेगा तो मैं उस टाइम मैं उस छेदा में अपनी करत लगा दूंगी वो दुनिया के कहीं निकल जाते नहीं नहीं निकलेगा मैं अपनी हाथ से मैं रोक लूंगी हे माता भी सारी अगर तोहर हम बात माने छे तोहर जोत चले हो तो तब तो सिक्की भर छेद में धुइया नहीं निकलते नहीं तो घर से बाल बच्चा तो निकल गए नहीं मैं उस टाइम मैं चली जाऊंगी जिस टाइम चाचो लेने आएंगे अगर धुआं लगाएंगे अंदर तो मैं सिक्की भर छेद में अपनी तरहत लगा दूंगी आए तोहारो आप चलिया देवी है अलोहारा